संवाद 365 की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को पारस ऑटोमोबाइल्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मोहित वर्मा, महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा, त्रिवेदी गंज, बाराबांकी। सभी देशवासियों को चिश्ती कार बाजार की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक लवी खान, चिश्ती कार बाजार, शाहबाद, हरदोई। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, कवि, रंगकर्मी, पोस्ट मास्टर, शाहबाद, हरदोई। सभी मसूरी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जसवीर कौर, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी। सभी मसूरी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मोहन पेटवाल, मसूरी मंडल अध्यक्ष भाजपा। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नयन नेगी, पूर्व सह जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, टिहरी गढ़वाल। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक बिंदु भारती, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक आजपुर देवसरा, प्रतापगढ़। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संगीता, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक आजपुर देवसरा, प्रतापगढ़। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक निशा, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक आजपुर देवसरा, प्रतापगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में दवा लेने गई एक किशोरी के साथ डॉक्टर के पुत्र के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी का आरोप है कि वो दवा लेकर वापस आ रही थी, बीच रास्ते में ही डॉक्टर के पुत्र ने उसे रोक लिया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। मल्लावा थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुराचार का प्रकरण प्रकाश में आया है। इसमें मुजरिम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें कराई गई। हरदोई के हरपालपुर में व्यापारी की पीट पीट कर हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी ने एक दारोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में एसपी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच करवाई जा रही है। 8 अगस्त को जिले के हरपालपुर कस्बे में मकान में कब्जे के विवाद में चाय दुकानदार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि विवाद मकान को लेकर था। इसी रंजिश में गांव के करीब 2 दर्जन लोगों ने व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटनास्थल से थाने की दूरी महज 200 मीटर होने के बावजूद भी पुलिस 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। सूचना पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। इस मामले में चौकी इंचार्ज संजय कुमार, सिपाही राहुल और एक होमगार्ड पर कार्रवाई की गई है। थाना हरपालपुर क्षेत्र में 8 तारीख को वहां पे एक घटना हुई थी, जिसमें व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी लाठियों से पीट करके। और वहाँ इससे तो गाँव कुछ लोगों के आरोप था और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया था। पुलिस पे आरोप था कि सुबह की घटना थी 6:30 बजे के आसपास की, और पुलिस पे आरोप था कि पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्टली मौके पर पहुंच करके एक्शन लिया होता तो शायद घटना बच जाती, क्योंकि थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर घटनास्थल था।
रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार सभी को होता है, लेकिन गाजियाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। सरना गांव में कभी मोहम्मद गौरी ने हमला किया था, उस वक्त हमले के बाद से आज तक यहां पर रक्षाबंधन नहीं मनाया गया। बताया जाता है कि ये गांव हजारों साल पहले से बसा हुआ है। मोहम्मद गौरी ने गांव पर हमला किया था। मान्यता है कि 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन जब भी वो आक्रमण करने जाता था तो उसकी सेना अंधी हो जाती थी। इसके पीछे दैवीय कारण बताया जाता है। एक दिन का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर हमला बोल दिया। गांव में जितने भी लोग थे सबको हाथी से कुचलवा दिया। सिर्फ एक गर्भवती महिला जिंदा बच पाई, क्योंकि वो अपने मायके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने गई थी। तभी से इस गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। ये जो हमारे भाई साहब ने बताया था कि महमूद गजनवी ने इस रियासत पे, जो कि सोहनगढ़ के नाम से रियासत थी, उस पर आक्रमण किया था, और जो यहाँ के रक्षक कह दो या सिपहसालार कह दो, वो उस वक्त गंगा स्नान के लिए गए हुए थे रक्षाबंधन के दिन। उसने मौका पा करके इस गांव पर चढ़ाई कर दी और इस गांव को सहत नहस कर दिया। लेकिन एक महिला अपने बच्चों के साथ में अपने माँ के गई हुई थी, उसके बच्चे जब परवस्त हो गए तो उन्होंने अच्छा काम करके किसी राजा महाराजा के यहाँ अपने गांव को बसाने की उन्हें अनुमति दे ली। लेकिन जब उस राजा को भी ये खबर लगी कि ये उसी वंश की औलाद हैं, तो उन्होंने अनुमति तो दे दी, लेकिन अनुमति उस खेड़े से कुछ हटके बसाने के लिए दे दी गई। तो तब से ये हमारे गांव का पुनः स्थापना हुई। 15 अगस्त पर आईबी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली समेत यूपी में आतंकी हमले की साजिश के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हाई अलर्ट के बाद गाजियाबाद में मॉल, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चलवा रही है। वहीं खुफिया विभाग गाजियाबाद में होटल्स और संवेदनशील जगहों पर लोगों का सत्यापन कर रही है। रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है। 15 अगस्त को ईद और रक्षाबंधन और जो स्वतंत्र दिवस है वो दोनों हैं, उसको देखते हुए पिछले कई दिनों से जो सतर्कता है, जो चेकिंग है वो बढ़ाई गई है। जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं उन पर पॉइंट्स हैं, उन पर लगातार चेकिंग चल रही है। जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, मॉल्स हैं, उन पर लगातार चेकिंग चल रही है। यूपी के बलिया में न्याय के लिए विवाहिता ने अपने दो मासूम बच्चों को लोहे की जंजीर में कैद कर दिया और चौराहे पर धरने पर बैठ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद मासूमों को जंजीर से आजाद करवाकर पीड़ित महिला को कोतवाली पहुंचाया। महिला का कहना है कि उसके पति ने अपने दोस्त के साथ उसे बलिया भेजा था, जहां पर उसके पति का दोस्त महिला को मुगल सराय स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। तब से ही ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है। 2016 जून को मेरी शादी हुई, विजय कुमार यादव घराना कराने वाले। यही आकांक्षा नरसिंह होम गावर रोड में, उसी आरसी में मेरे दो बच्ची पैदा हुई। अच्छा, उन्हीं से? उन्हीं से, वो बच्चे इन्हीं का है। ये विराट नाम का बस चलता है, वही मेरा पति है। मेरा पति मुझे गंगे ले गया 2018। 2017 अक्टूबर को मेरी बच्चा पैदा हुई, 7 तारीख को। 2017 नवंबर को मेरे पति मुझे बेंगलोर ले गया। बेंगलोर ले गया तो शैलेंद्र यादव और ब्रिजेश यादव मुझे ले गया बेंगलोर। रायबरेली जिले के एक संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी लेट कर चलते हुए पूरी की। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में मत्था टेककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की। संत का नाम उमेश चैतन्य है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश हित में लिए जा रहे फैसलों से प्रेरित होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए गंगा तटों पर मत्था टेकने जा रहे हैं, साथ ही गंगा स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं। बोलिए भगवान भूतनाथ की जय, गंगा महारानी की जय। मैं
गुरु पूर्णिमा के अवसर से 44 करोड़ चावल भगवान भूतनाथ को राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर रहा हूं, जिसमें उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे देश के जो कश्मीर की धारा 370 इत्यादि कई एक धाराओं का समाधान किया है, मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूं। मेरे राष्ट्र के कल्याण के अनुष्ठान में मुझे अति प्रसन्नता हुई है। गाजियाबाद मसूरी की डासना जिला जेल में बंदियों की सुविधा के लिए रेडियो डासना जिला जेल चौकी का शुभारंभ कर दिया गया। ब्रांड एम्बेसडर माई क्लीन इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2011 एवं दिशा फाउंडेशन की चेयरपर्सन उदिता त्यागी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि रेडियो के द्वारा बंदियों को गीत संगीत भजन विधिक जानकारी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा और अन्य आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जाती रहेंगी। फतेहपुर जिले के बाकरगंज पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर खुलेआम मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। गांजा माफिया अपना ये अवैध धंधा यहाँ पर सरेआम चला रहे हैं, उन्हें पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। अब इस धंधे के चलते कई नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।